हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज 31 जनवरी है और अभी हम लोग बुआ के घर पे जा रहे हैं। आज शायद चौथ का व्रत है। हाँ, मुझे पता है मैं ये व्लॉग काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी एडिटिंग प्रॉब्लम हो गई थी जिस वजह से मैं व्लॉग को एडिट नहीं कर पा रहा था। ये व्लॉग मैंने काफ़ी पहले बना लिया था लेकिन एडिट नहीं हो पाया था, तो अब मैं जल्दी से जल्दी व्लॉग को एडिट करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप व्लॉग को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना। चौथ कब रहता है तो मम्मी वहाँ पे जाके पूजा करेगी, और इससे पहले वाला व्लॉग जो है वो मैं आज अपलोड कर दूँगा, तो वो पूरा देख लेना। और अभी बस मैं तैयार होने जा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग निकलेंगे बुआ के घर के लिए। हम लोग घर से निकल चुके हैं और पिंकू आया नहीं क्योंकि उसका मन नहीं हो रहा था आने का, तो मैं मम्मी और पापा ही आए हैं सिर्फ। We'll be right back.
जिसने मैं वो जो छानने का कपड़ा होता है ना उसको लिया थी और उसको धोके उसमें कुछ आटा निकलता वो अपने पति को पिला देती थी। उस दिन चौथ का व्रत था तो वो आटा पीसने गई तो जिठानी ने वो कपड़ा भी उससे छीन लिया कि कौन ले जाए ले या। तो आया वो घर आई करे लिया पे वा पिला दे घोड़ के घर में खाने को कुछ था नहीं तो जो करात तो वा चून छान बा को कपड़ों भी छीन लियो तो उसने उसको खूब मारा और तो मारी पिंड करके बाढ़ने ओटने पे उसमें सो गई। तो रात को गणेश जी आए चौथ बिंदायक तिलकुटा और पथरे का साग खा के आए करे ओटड़े पाटड़े मारी ओटड़े सूती चौथ बिंदायक कोड़े हंगे के हंग जा बाप कना सारो घर खाली पड़े हुए थे खाई जो कोड़े ही हंग जा चार तो सारे में हाँ, फिर है ना जो वो फिर आया कि चौथ बिंदायक कूला कोड़े पूछे कि मुझे मारे सामने ले लाड़। जब घर में कुछ होता है ना और घर की लेडीज़ जब अच्छे अच्छी ड्रेसें पहन लेती है तो उनको सिर्फ फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती है और अभी सब लोग मेरे से फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं तो अब हम इनका फ़ोटो सेशन करने के लिए आए हैं 6th फ्लोर पे। तो आप देखते रहो। फाइनली लेडीज़ का फोटो सेशन कंप्लीट हो चुका है। गाइज हम लोग बुआ के घर से निकल चुके हैं और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी एंजॉय भी किया आज और अब हम जा रहे हैं अपने घर पे। घर पे आ चुके हैं और अब मुझे लग रही है बहुत तेज भूख और वैसे भी आज तो मेरा फेवरेट राजस्थान का प्रसिद्ध बाटी दाल चूरमा है तो भाई मुझसे रहा नहीं जा रहा तो मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने। उसके
उसके बाद मम्मी और सामने वाली आंटियां भी आएंगी हमारे घर पे, ऊपर चांद देखने जाएंगी। तो आप व्लॉग को एंड तक देखना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं ऊपर चांद देखने के लिए। गाइस चांद निकल चुका है पर अंधेरा इतना हो रहा है, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा या नहीं, पर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। आई थिंक दिख रहा होगा आपको। फाइनली अब मम्मी खाना खा पाएगी। गाइस ऊपर अच्छी खासी ठंड है, सुबह जितनी दिन में गर्मी रहती है ना, रात को उतनी ठंड बढ़ जाती है, इसलिए चांद तो देख लिया, अब हम जा रहे हैं नीचे। गाइस मम्मी ने खाना खा लिया है और आज का दिन काफ़ी अच्छा था। अंकुर दादा इतने दिन बाद जयपुर आया था तो उनसे भी मिले, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिन था आज, काफ़ी एंजॉय भी किया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। गाइस व्लॉग एंड होने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये व्लॉग 31 जनवरी का है और उससे अगले दिन 1 फरवरी थी, तो 1 फरवरी के दिन मेरे पापा की तारीख से बर्थडे आती है, तो उस दिन रेणु बुआ ने पापा के लिए केक मंगवाया था। तो उस दिन कोई व्लॉग तो नहीं बनाया था मैंने, लेकिन पापा ने जब केक कट किया था तो उस टाइम पे वीडियो ज़रूर बनाई थी, तो वो मैं इस व्लॉग के एंड में एडिट कर रहा हूँ। तो व्लॉग पूरा एंड तक देखना क्योंकि व्लॉग का दी एंड उसके बाद होगा। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना यार, आप लोग शेयर नहीं करते, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।